कैसे हैं आप? तो आज का वीडियो होगा सेलिब्रिटी डाइट प्लान एपिसोड नंबर 24 और आज की फुल डे डाइट प्लान होगी जस्ट लाइक जो लिंडर। जो लिंडर इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट ऑन यूट्यूब। उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा फनी, एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेशनल भी होती है। अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपनी पूरी डाइट अपने चैनल पर शेयर की थी, जो हम आज की इस वीडियो में फॉलो करेंगे। आज की फुल डे डाइट प्लान में होने वाली है टोटल 5 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड डिनर। सो मिलता हूँ आपसे मील नंबर 1 पे। एंड जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मुझे आज की इस वीडियो में चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही यहाँ पर ला ली है। सो मील नंबर 1 इज गोइंग टू बी 1.3 लीटर्स ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर है 1 लीटर ऑफ डीकैफ कॉफ़ी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर कॉफ़ी। डीकैफ में एक्चुअली कैफीन नहीं होता है, सो वो है यहाँ पर। एंड इसमें मैंने ऐड किया है 300 ml ऑफ टोन्ड मिल्क। सो ये उनकी फर्स्ट मील होती है। ये मैं मील कंसिडर करूँगा क्योंकि इसमें कैलोरीज है। अगर ये ब्लैक होती तो मैं इसे मील कंसिडर नहीं करता। सो दिस इज मील नंबर 1 एंड टेस्ट करते हैं, पहले देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है। सो काफ़ी सारी कॉफ़ी, बुरा नहीं है बट नॉट माई टाइप। मुझे कॉफ़ी ब्लैक ही पसंद है। सो एंड स्वीट भी नहीं है, कुछ भी स्वीटनर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। एंड टोन्ड मिल्क जो होता है, लो फैट मिल्क, उसमें कुछ भी स्वीटनेस नहीं होती है। सो ये बहुत ही प्लेन है एंड पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली यू कैन सी। सो लेट्स फिनिश दिस, ट्राई करते हैं एक शॉट में इसे ख़त्म करूं, क्योंकि टेस्ट तो कुछ खास लगा नहीं है। एक शॉट में ख़त्म होने जैसा नहीं है ये। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डाइट हैक। इसकी क्वान्टिटी आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, बट इसमें कैलोरीज बहुत ही कम है। बट अगर मैं इसे ट्राई करता तो आई वुड हैव प्रिफर्ड एडिंग फ्यू मतलब स्वीटनर मैं इसमें ऐड करता, जैसे स्टीविया हो गया या कोई भी चीज़ में इसमें ऐड करता, थोड़ा टेस्टी ये बनता। दिस इज़ वेरी 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 प्लेन। लास्ट का थोड़ा डार्क हो गया है, कॉफी प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई। आयरनी तो ये है कि दिस इज नॉट दी ओनली कॉफी जो मुझे पीनी है, ऐसी एक और होने वाली है नेक्स्ट मील में। Thank you.
बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। Time for meal number 2, and this is 9 egg whites, 1 whole egg and onions, 5 rice cakes, and again 1.3 liters of coffee. I'm definitely sure सुबह की कॉफ़ी का ये टेस्ट अभी तक अजीब सा लग रहा है, एंड अगेन इतनी कॉफ़ी मैं डेफिनेटली नहीं पी पाऊँगा, लेट्स सी कितनी हो पाती है। एंड मील तो कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर, एंड जो ने अपनी ये वाली मील में केचप एंड ग्रीक योगर्ट का मिक्सचर ऐड किया था, सो दिस इज केचप एंड ग्रीक योगर्ट, सो ये मैं इसमें ऐड करूँगा। सो आवर मील इज रेडी, नाउ लेट्स फिनिश दिस। एग्स डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल ही प्लेन है, एंड इसमें सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है, बट जो मिक्सचर है यहाँ पर ग्रीक योगर्ट एंड केचप का, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, सो इससे ये मील का टेस्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, एंड एग्स का टेस्ट सही लग रहा है। सो मील ख़त्म हो गई है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बची है। Time for today's pre-workout meal, and आज के pre-workout meal में I'll be having 5 of these rice cakes. So Joe Linda 5 rice cakes लेते हैं अपनी pre-workout meal में, and सिर्फ rice cakes ही नहीं है, ये उनके carb sources है, वो बहुत सारे बहुत सारे supplements वो use करते हैं, वो literally ऐसे जो nozzle आता है वो use करते हैं, and bottle में वो सारी चीज़ें add करते हैं, जो भी उनका pre-workout है, creatine है, जो भी वो सारा उसमें add करते हैं। अब इतने सारे सप्लीमेंट्स तो मैं नहीं लेता हूँ, सो आई विल जस्ट बी हैविंग दिस, एंड इसके बाद मैं जिम जाऊँगा, एंड बिल्कुल भी इसे खाने का मन नहीं है। ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी मील्स हमारी पहले हो चुकी है, ज़्यादा तो कॉफ़ी ही थी, सो बिल्कुल भी मन नहीं है, एंड आई एम फीलिंग ऑलरेडी ब्लोटेड, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील हो रहा है, पता नहीं वर्कआउट कैसे होगा, लेट्स सी। स्टिल नाउ लेट्स फिनिश दिस। राइस केक्स इंडिया में थोड़े से कॉस्टली है, आपको एक केक 10 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा, सो 5 का अराउंड 50 रुपीज़ हो जाता है, तो इसमें 50 रुपीज़ में तो और बहुत सारे आप प्री वर्कआउट के ऑप्शन ले सकते हैं, सो बट टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, बट कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होती, सो
सो गाइज जिम से वापस आ गया हूँ मैं एंड इट्स टाइम फॉर माय पोस्ट वर्कआउट मील. एंड पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ही सिंपल है, कुछ भी फैंसी यहाँ पे नहीं है. 1.5 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट एंड 300 ml ऑफ टोन्ड मिल्क. सो लेट्स हैव इट. पास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेजरिंग स्केल के लिए. ये तो मैंने लोकली लिया था. अभी अगर इसका लिंक ऑनलाइन पे मिलता होगा तो मैं ये वीडियो के नीचे डाल दूंगा. सो लेट्स फिनिश दिस. कुछ दिनों में इसका एक न्यू फ्रेंड आने वाला है एंड हमने अभी तक इसका कुछ भी नाम नहीं रखा है. क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या इसका नाम रख सकते हैं? आई वॉज थिंकिंग कि स्नो रखना चाहिए इसका नाम, क्योंकि ये पूरी वाइट है ऑब्वियसली. सो कमेंट करो कि क्या रख सकते हैं एंड मिलता हूँ आपसे मील नंबर 5 पे. Time for today's last meal and in this meal we are going to have chicken, sweet potatoes and salad. यहाँ पे salad में मैंने लिया है lettuce and onion. Chicken की preparation जैसी जो ने की थी same वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया है. थोड़ी बहुत spices मैंने इसमें add किए हैं. I think उन्होंने भी अपने video में spices add किए थे but spices बताया नहीं था ये कौन सा add किया है. यहाँ पे मैंने जो simple Indian spices है वो add किया है एंड जो स्वीट पोटेटो फ्राइज है उन्होंने स्वीट पोटेटो फ्राइज लिया था जो मार्केट में मिलते हैं. अब मार्केट में मुझे नहीं मिल रहा था एक्चुअली, मैंने बहुत ढूंढा, इवन ऑनलाइन पे नहीं था एंड जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी नहीं था. सो ये मैंने घर पे बनाया है एंड ये बेक नहीं है, ये एक्चुअली बॉइल्ड है बट दिस इज स्वीट पोटैटोज विदाउट एनी कैलोरीज, एडिशनल कैलोरीज. सो ये होगा हमारा डिनर एंड आई थिंक इट लुक्स रियली गुड. चिकन काफ़ी सही लग रहा है. सो बाकी सही है, चिकन का करते हैं टेस्ट टेस्ट. बहुत सही है एक्चुअली. ये थोड़ा ज़्यादा मैरिनेट हो गया था. मैं अराउंड 5 से 6 घंटे ही मैरिनेट करता हूँ एंड ये एक दिन से ज़्यादा मैरिनेट हो गया था. सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो गाइज यहाँ पे हमारी आज की फुल डे डाइट प्लान कंप्लीट हो जाती है एंड आज के पूरे दिन के डाइट प्लान का कॉस्ट हुआ है 1145 rupees. अभी कॉफ़ी जो मैंने ली थी वही काफ़ी ज़्यादा महंगी थी एक्चुअली. डी कैप जो थी वो 600 rupees की थी. सो अगर उसको हटा देंगे तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा बट मुझे एक्चुअल में ये कॉस्ट हुआ है.
एंड मील नंबर वन और मील नंबर टू सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी बिकॉज ऑफ दैट कॉफ़ी कॉफ़ी की क्वान्टिटी बहुत ही ज़्यादा थी. अगर आप मेजर करें तो अराउंड 3 लीटर कॉफ़ी हो जाती है पूरे दिन में. सो दैट वॉज टू मच. बाकी की मील काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.